फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं बहुत कुछ बताई हूँ वीडियो में और दिखाई भी हूँ। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना कमेंट्स करना मत भूलिए। आप लाइक और कमेंट्स करने से मैं भी मोटिवेट होती हूँ फ्रेंड्स आगे और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स मेरा वेट मशीन का बैटरी डाउन हुआ है, वो चेंज करेगी पहले, उसके बाद मैं बता देगी मेरा वेट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू ट्रसिलास किचन। फ्रेंड्स अभी सुबह का टाइम है, अभी मैं पी रही हूँ पहला पानी पी रही हूँ। आज का मेरा वेट लॉस जर्नी का फर्स्ट डे फ्रेंड्स। अभी पहले मैं दो ग्लास गर्म पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में काम करेगी। आज ब्रेकफास्ट और खाना वगैरह कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है, खाना कल का है, सांभर वगैरह ओनली मुझे पुदीना चटनी बनाना है। और ब्रेकफास्ट में आज मैं चिया पुडिंग बनाने वाली हूँ, तो आज ज़्यादा कुकिंग का काम नहीं है मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी पानी पी लेते, तो उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। आप भी उठा जैसे पहले गर्म पानी पीना है, उसके बाद आपको कुछ खाना पीना है तो बाद में खाना पीना है, पहला गर्म पानी। फ्रेंड्स अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही हूँ। देखिए ब्रेकफास्ट में आज बनाई हूँ चिया पुडिंग बनाई हूँ फ्रेंड्स। ये तो रेसिपी बहुत बार मैं आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ, तो इसके लिए मैं रेसिपी नहीं शेयर की हूँ आज, ओनली मैं बता देगी आप लोग को इसमें क्या क्या डाली हूँ। मैं और मेरा हस्बैंड आज चिया पुडिंग खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छा लगता है, उनको वेट लॉस जर्नी में मैं क्या क्या खाती हूँ वो सब अच्छा लगता है। मेरे बेटे के लिए मैंने मैगी बना दिया, उनको इतना अच्छा नहीं लगता है चिया पुडिंग। मीन्स पुडिंग वगैरह अच्छा लगता है बट उसमें चिया सीड रहते हैं ना, उसके लिए उसको उतना अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग को तो बहुत पसंद है चिया सीड पुडिंग। मेरे लिए मैं थोड़ा अलग से बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए अलग से बनाती हूँ, क्योंकि उसमें बनाना दूध ये सब खजूर ये सब ज़्यादा डालती हूँ। मेरे लिए वो सब चीज़ मैं थोड़ा कम डालती हूँ और दूध भी बहुत कम डालती हूँ, 3 स्पून उतना ही मैंने 3 स्पून में, ऐसा नहीं वाटी में करके, 3 स्पून में मैंने मेजर करके मैं दूध डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ फ्रेंड्स। मैं बता देगी आपको मैं क्या क्या डाली हूँ इसमें करके। फ्रेंड्स इसमें मैंने 2 स्पून उतना चिया सीड तो मैंने रात को ही भिगाई थी, तो 2 से 3 स्पून कुछ मैंने चिया सीड भिगाई थी। तो भिगाने के बाद ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो मैंने उसमें थोड़ा आधा चिया सीड मेरे लिए लिया, आधा चिया सीड मेरे हस्बैंड के लिए रखी थी। उसके बाद इसमें एक बनाना डाली हूँ, ज़्यादा बड़ा वाला बनाना नहीं, बड़ा बनाना रहता तो मैं आधा ही डालती, बट एकदम छोटा बनाना है दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये साइज का बनाना था, तो इसके लिए मैंने पूरा एक बनाना डाली हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद मैं 3 खजूर डाली हूँ। उसके बाद इसमें है 1 टीस्पून, यही टीस्पून में मैंने होममेड पीनट बटर डाली हूँ। पीनट बटर डालेगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स और प्रोटीन भी मिल जाते। और 5 बादाम, देखिए इधर पीसेस दिख रहे हैं ना आपको, 5 बादाम को मैंने उसका स्किन निकाल के कट करके डाली हूँ। और 3 स्पून उतना मैंने दूध डाली हूँ फ्रेंड्स, आधा टीस्पून उतना मैंने हनी डाली हूँ, हनी भी ज़्यादा नहीं यूज़ की हूँ मैं। देखिए मैं मेरा रेगुलर वाटी है ब्रेकफास्ट का, उसमें ली हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट है आज का, तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करती हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं पुदीना चटनी बना रही हूँ, तो पुदीना चटनी तो पेट के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, डाइजेस्ट के लिए अच्छा है सबको पता है। तो बीच बीच में थोड़ा सा पुदीना चटनी वगैरह बना के खाइए, तो अनहेल्दी वगैरह खा लेते हैं ना आप, दूसरा दिन पुदीना चटनी बना के सिंपल सादा खाना खाइए तो बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड्स पेट के लिए। तो मैं भी आज पुदीना चटनी बना रही हूँ। पुदीना चटनी बनाने के लिए मैं ली हूँ नारियल ली हूँ, पुदीना ली हूँ, हरी मिर्ची मैं थोड़ा तिक्का बना रही हूँ इसके लिए 3 हरी मिर्ची ली हूँ, और अदरक और इमली, अभी थोड़ा नमक भी ऐड कर देगी, पिस के लेगी, तो पुदीना चटनी बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी का भाजी बना रही हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए देखिए अभी 1 स्पून उतना मैंने ऑयल डाल दिया, अभी राई डालेगी, अभी कड़ी पत्ता भी डाल दिया तो फ्रेंड्स अभी एक साथ में डाल देगी और नमक डालेगी और पकने के लिए छोड़ देगी। एकदम सिंपल है, ईजी है और टेस्टी भी लगता है, इसमें मसाला वगैरह नहीं ऐड करना है। ढक्कन लगा दिया मैंने, पकने दो। अभी मुझे हो गया, मैं चटनी भी बना के रख दिया, चटनी भी दिखा देती हूँ आपको, बहुत ही टेस्टी चटनी बनाया है फ्रेंड्स। देखिए अभी मैं चावल चढ़ा देगी और पूरा घर का काम है फ्रेंड्स, पूरा घर का काम कर लेती हूँ, तो उसके बाद दोपहर को खाना खाने के टाइम आप लोग से मिलती हूँ। फ्रेंड्स मेरा ना पूरा फेस ये रियल है, इसमें फिल्टर नहीं लगाई हूँ,
तो फ्रेंड्स अभी बहुत कम हुआ है मेरा डार्क सर्कल था ना, बहुत कम हुआ है फ्रेंड्स, बहुत मतलब बहुत। तो मैं थोड़ा जूस वगैरह पीती हूँ ना, वेजिटेबल जूस पीती हूँ, और मैं फ्रूट्स खाने लगी हूँ, ज़्यादा फ्रूट्स खाने लगी हूँ, इसकी वजह से लगता है। तो बहुत आप देखे रहेंगे, एक 4-5 महीने पहला मेरा वीडियो देखेगा तो आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा था। हम लोग कितना अच्छा खाते पीते वो हिसाब से हम लोग का फेस में भी ग्लो आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये मैं फिल्टर नहीं लगाई हूँ, ये मेरा रियल फेस है, फिल्टर नहीं लगाई हूँ, तो बहुत लाइट हुआ है और भी जाना है। मेरा हस्बैंड भी बोलते हैं अभी तेरा फेस का बहुत कम हुआ है करके, तो वही मैं सोचती हूँ मैं वेजिटेबल कोई भी फ्रूट कैरेट का जूस पीती हूँ बीच बीच में, और आजकल मैं फ्रूट्स ना बहुत सारा फ्रूट्स खाने लगी हूँ। मेरा पहला वेट लॉस जर्नी में मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था मेरा, और नींद भी अच्छे से, नींद पूरा नहीं होता है ना, इसकी वजह से भी हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये सब बहुत लाइट हुआ है फ्रेंड्स। ये मैं भी देखती हूँ आयुर्वेदिक कुछ अच्छा वाला स्किन के लिए मिलता है क्या, कुछ पिएगा तो स्किन ग्लो करने वाला, नहीं तो ये सब है ना, ये सब नहीं चाहिए, ये सब ये क्या बोलते हैं इसको, तिल बोलते हैं, तिल मुंटत नहीं ब्लैक ब्लैक, ये सब तील है, ये सब नहीं जाएगा, अंडर आइज है ना ये सब जाना चाहिए, ये सब जाएगा, ये ब्लैक है ना ये सब तील है फ्रेंड्स, ये नहीं जाएगा। तो मैं भी अभी देखती हूँ, कोशिश करेगी मुझे भी अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं तो आयुर्वेदिक शॉप में जाके पूछेगी स्किन ग्लो करने के लिए, क्योंकि ना हम लोग कितना भी महंगा वाला क्रीम ऊपर से लगा के कुछ भी फायदा नहीं है फ्रेंड्स। तो अंदर से देखिए अभी मैं जूस फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स ये सब खाने लगी तो मेरा स्किन भी ग्लो करने लगा है, पहले इतना ग्लो नहीं करता था मैं, पहला वेट लॉस जर्नी में इतना खाने पीने में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, ओनली वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस। तो वेट लॉस के साथ आपको स्किन का भी हेयर का भी सबका ख्याल रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका हेल्दी वेट लॉस होएगा। तो तभी ओनली मैं वेट लॉस के बारे में सोचती थी, ओनली खाना पीना कम कर दिया था, अभी मैं खाना पीने के साथ ना स्किन का भी मैं सोचती हूँ फ्रेंड्स, क्या खाएंगे तो क्या पिएगा तो मेरा बाल के लिए अच्छा है और स्किन के लिए अच्छा है। और मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट में खाई थी क्या चिया सीड पुडिंग खाई थी ना, वो चिया सीड ना फ्रेंड्स इसके लिए भी अच्छा है करके बोलते, बाल के लिए भी अच्छा है करके। तो आप भी चिया सीड का पुडिंग नहीं तो चिया सीड का पानी बना के भी आप पी सकते हो, उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएगी, सुबह आप चिया सीड का पानी भी पी सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए अभी मेरा बाजी भी रख दिया मैंने, अभी लेट हो जाएगा, मेरा हस्बैंड को भी काम पे जाना है ना, तो आगे के बाद में करती हूँ आप लोग से, तो बाद में दोपहर को मिलेगी। अभी पहला हस्बैंड को खाना दे देती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद बाकी का काम करेगी। चलिए फ्रेंड्स अभी सब काम हो गया, नाके भी आ गए, अभी खाना खाते, हस्बैंड तो खाना खा के हो गया हस्बैंड का, तो मैं और मेरा बेटा खा रहे हैं अभी। तो देखिए मेरा पोषण कंट्रोल ताली भी मैं आप लोग से शेयर कर लेती हूँ क्या क्या है। आज मेरा पोषण कंट्रोल थाली में राइस है, कैबेज भाजी है, उसके साथ मैं दूधी और दाल डाल के कोकोनट मसाला पीस के सांभर बनाई थी, लौकी और दाल और पुदीना का चटनी, एकदम हेल्दी मेरा वेज थाली है। और अचार है लेमन अचार, मुझे तो लेमन अचार बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो मैं अभी खाना खा लेती हूँ। हाँ ओके बाय 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 बाय। अभी खाना खा के हो गया फ्रेंड्स दोपहर का, लंच हो गया, लंच के बाद अभी मैं घर के अंदर ही वॉक कर रही हूँ, 15-20 मिनट का वॉक तो करेगी अभी मैं। तो आप भी ऐसे करने का, खाना खाने के बाद घर के अंदर, रात का खाना होने के बाद भी, लंच होने के बाद भी घर के अंदर ही हाफ एन आवर नहीं तो 15-20 मिनट का वॉक कीजिए। 4:30 बजे मैं ब्लैक कॉफ़ी के साथ पोहा खा रही हूँ, ये तड़का वाला पोहा नहीं है, सादा पोहा में थोड़ा सा गुड़ डाली हूँ, थोड़ा सा नारियल डाली हूँ, पानी डाल के थोड़ा मिक्स करके लिया, अच्छा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। गुड़ कम यूज़ की हूँ, अच्छे से गुड़ डालेगा तो और भी टेस्टी लगता है। उसके बाद मैं हाफ एन आवर का एक्सरसाइज करके लिया फ्रेंड्स, उसके बाद देख के बना रही हूँ मैं रात के डिनर के लिए आज एक नया रेसिपी मैंने ट्राई किया, लहसुनी मेथी, इसका फुल रेसिपी मैं अलग से शेयर करेगी फ्रेंड्स, अच्छा टेस्टी बना। मेरा भी डिनर रेडी हो गया है, 6:30 हो गया फ्रेंड्स, मैं डिनर कर लेती हूँ उसके बाद दूसरा काम करेंगी। तो देखिए इधर मैं बनाई हूँ चावल रोटी बना के लिए, उसमें थोड़ा सा घी लगा के लिया, उसके साथ लहसुनी मेथी बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, थोड़ा तो कड़वा लगता है मेथी है ना इसकी वजह से, बट हेल्थ के लिए अच्छा है, और मैं पहली बार बनाई तो मुझे अच्छा लगा फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अभी मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है तो बाद में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो चलिए मैं पहला खा लेती हूँ अभी।
ये मैं नाइट लास्ट मेरा फैट कटर ड्रिंक है फ्रेंड्स, आज मैं पी रही हूँ अजवाइन का पानी पी रही हूँ फ्रेंड्स, बट मैं अजवाइन ज़्यादा नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा ही डाल के मैंने उबाल के अच्छे से बॉईल करके अभी पी रही हूँ फ्रेंड्स। आज का मेरा हेल्दी फुल डे रूटीन आप लोग से मैंने शेयर कर दिया, आप लोग को आज का रूटीन कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।